बैक टू माय चैनल, माय नेम मीरा साली। तो गाइस, तो आज हम बनाने लगे हैं एक रेसिपी जो कि बहुत होगी स्पेशल। चले मैं आपको दिखाती हूँ रेसिपी, और रेसिपी का नेम है मैक्रोनी। यस, तो गाइस आओ मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज है, और ये बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, और गाजर है, और यहाँ पे नमक है, और ये हमने रख दी हुई है मैक्रोनी उबालने के लिए। हाय अल्लाह, पानी निकल रहा है। अब ये उबाइल हो जाए, फिर इसे ये देखिए पानी निकल रहा है, दोनों निकल रहे हैं। देखिए ये उबाइल हो जाए। तो गाइस, जब ये मैक्रोनी उबाइल हो जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। फिर हम अभी हम जब इसका मिक्सर बनाते हैं अभी हम दिखाएंगे। चलें, तो गाइस अब इसमें निकले मैक्रोनी, क्योंकि हो चुकी है, ये देखिए आप देख सकते हैं मैक्रोनी उबाइल हो चुकी है। यहाँ पे आप डालेगी, थोड़ी सी डर गई है, ये देख सकते हैं आप, वही गर्म है, गर्म है। अच्छी तरीके से निकाल लीजिए हम इसे। हमारे पास यहाँ पे छोटी छोटी गोल बोटी है, और ये पेस्ट भी हमने अभी भी बनाया है। ये सारी चीजें हैं। अब जब हम इसमें डालेंगे सिल्का एंड सोया सॉस, सोया सॉस डालेंगे, सिल्का थोड़ा सा डालेंगे, शिमला मिर्च, इतनी चाइनीज नमक, हमें मिर्चे एंड नमक थोड़ा लगा था हमने वो भी डाल लिया, और हमने अब चाइनीज नमक भी डाल दिए ताकि चाइनीज वाला टेस्ट आए। हम अब डालते हैं हम बंद गोभी, कहाँ है बंद गोभी, गाइस अब हम इसे अच्छी तरीके से हिला रहे हैं क्योंकि ये बन चुकी है। अब हम इसमें रेड सॉस भी डालेंगे, ऐसे केचप सॉस कह सकते हैं इसे, चिली सॉस है ये। तो गाइस अब हम इसमें मैक्रोनी डाल देंगे और फिर ये मिक्स कर देंगे। यस, अच्छी तरीके से हल कर लेते हैं। गाइस इतनी अच्छी मजे की खुशबू आ रही है, इतनी तरीके से हल हो चुकी है, हमारी सारी हल हो चुकी है। अब हम इसे 5 मिनट दम पे रखेंगे। गाइस हमने 5 मिनट हो चुके हैं, अब ये हो। तो गाइस ये देखिए, यम यम, ये बन चुकी है मैक्रोनी। क्या आप खाएंगे? आंखों ले आ आ ऐसे, चले जी आपने खा ली। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको भी सलाम। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, मेरे लिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। सब्सक्राइब जिन्होंने किया उनके लिए भी बहुत प्यार, जिन्होंने भी नहीं किया तो कर दे प्लीज़।